और सभी बच्चे बढ़िया हो, चलिए बढ़िया रहने चाहिए। तो देखिए, अपने पास मैथमेटिकल फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट चल रही थी, क्लियर। तो अपने पास आज नया टॉपिक लेंगे कि लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कर्ल। हेडिंग डाल लीजिए, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कर्ल, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कर्ल, क्लियर। लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कर्ल। तो देखिए, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जब अपन कर्ल ज्ञात करेंगे तो वही अपन जो अपने पास सदिश क्षेत्र का जो ए होता है उसके अपन घटक क्या क्या लेंगे, a1 a2 a3 लेंगे, और जो अपने पास जो u, जो अपने पास u वक्र होता है उसके घटक क्या क्या लेंगे, u बिंदु के u1 u2 और u3। क्लियर है सभी को? चलिए इसमें लिख लीजिए एक बार कि लिखिए कि माना सदिश क्षेत्र में, माना सदिश क्षेत्र में, माना सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु, माना सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु, माना सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु ओ पर, ओ पर, ओ पर सदिश क्षेत्र का मान, सदिश क्षेत्र का मान, सदिश क्षेत्र का मान सदिश ए है, सदिश ए है, जिसके माना सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु ओ पर सदिश क्षेत्र का मान सदिश ए है, जिसके u1, u2 व u3 दिशा में घटक, जिसके u1, u2 व u3 दिशा में घटक u1, u2, u3 दिशा में घटक क्रमशः a1, a2, a3 हैं, a1, a2, a3 हैं। हम एक क्षेत्रफल अल्पांश, हम एक क्षेत्रफल अल्पांश, हम एक क्षेत्रफल अल्पांश, हम एक क्षेत्रफल अल्पांश OLMN लेते हैं, OLMN लेते हैं, OLMN लेते हैं, जो H1 DU1 व H2 DU2, जो H1 DU1 व H2 DU2 रेखा अल्पांशों से बना होता है। इसके लिए एक फिगर बना लेना, इसको मान लिया अपन ने u1, इसको मान लिया u2 और इसको मान लिया u3। ये कोई अपन ने इसका क्षेत्रफल मान लिया OLMN, ये कोई क्या है अपने पास क्षेत्रफल, और किस किस रेखा अल्पांशों से बन रहा है, H1 DU1 और H2 DU2। तो अपने पास इसका मान तो कितना हो जाएगा, H2 DU2, और इसका कितना हो जाएगा, H1 DU1। और जो अपने पास m से n तक जाएगा उसका मान कितना हो जाएगा अपने पास, जब मान लेंगे इसका, तो H3 DU3। क्लियर है सभी को? तो पहले यहाँ पे लिखिए O से L तक, O से
एल तक, ओ से एल तक सदिश क्षेत्र का, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं अपन? ओ से और एल तक, कहाँ से? ओ से और एल तक। तो इसका जो मान होगा अपने पास वो कितना होगा? रेखा समाकलन, तो इंटीग्रेशन जीरो से ओ से कहाँ से एल तक, और कितना हो जाएगा अपने पास? सदिश ए इंटू सदिश डी एल। तो इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास? ओ से एल तक कितना है? एच वन डी वन, और सदिश ए है ही अपने पास सदिश क्षेत्र, तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए वन। क्लियर? तो अपने पास इसका मान आ जाएगा ए वन एच वन डी यू वन, एच ए वन एच वन डी यू वन। क्लियर है सभी को? चलिए तो नीचे लिखिए यू टू दिशा में इस रेखा समाकल के परिवर्तन की दर। तो इसकी जब यू टू दिशा में, इस रेखा समाकल की अपन क्या निकालेंगे? परिवर्तन की दर निकालेंगे। तो अपने पास कितना हो जाएगा बताइए? दर कितनी हो जाएगी डेल अपॉन एच टू डी यू टू, और कितनी रह जाएगी अपने पास? ये तो है ही ए वन एच वन डी यू वन। क्यों? किस दिशा में निकाल रहे हैं? यू टू दिशा में। तो जब यू टू दिशा में निकालेंगे तो इसका मान कितना दे रखा है? एच टू डी यू टू। भाई यू टू दिशा में इसका मान कितना दे रखा है? एच टू डी यू टू ये दे रखा है। तो डेल अपॉन एच टू डी यू टू, और जो अपने पास सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल आया है वो। क्लियर? चलिए तो नीचे लिखिए इसी प्रकार, देखिए अपन ने ओ से एल तक निकाल लिया, फिर एल से एम तक निकालेंगे, फिर एम से एन तक निकालेंगे, और फिर एन से ओ तक। क्लियर है सभी को? कि जो रेखा समाकल होते हैं कि ओ से एल तक क्या होता है, एल से एम तक क्या होता है, एम से एन तक क्या होता है, और एन से ओ तक क्या होता है, क्योंकि अपन ने क्षेत्रफल क्या लिया है? ओ एल एम एन, तो चारों का निकालेंगे। तो इसी प्रकार ओ से एल तक निकाल लिया, तो नीचे लिखिए एम से एन तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल। तो कितना हो जाएगा रेखा समाकल? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चल जाएगी? एम से एन तक, और कितना होता है? सदिश ए इंटू सदिश डी एल। तो इसका मान कितना हो जाएगा? बराबर माइनस, कितना हो जाएगा? ए वन एच वन डी यू वन प्लस डेल, कितना हो जाएगा? ए वन एच वन डी यू वन बटे, कितना हो जाएगा? एच टू डेल यू टू, और कितना हो जाएगा अपने पास? एच टू डी यू टू। तो देखिए अपन ने एम से एन तक लिया है, तो इसके जस्ट सामने कितना है? एच वन डी यू वन है। तो अपने पास ये तो जो का मान रहेगा सदिश ए इंटू डी एल का मान, तो ए वन एच वन डी यू वन रहेगा, नहीं रहेगा? एच वन डी यू वन रहेगा। जब इसके सामने ये है तो इसका मान कितना रहेगा? एच वन डी यू वन ही रहेगा, नहीं रहेगा? रहेगा। मैंने क्या लिखाया है कि जो ओ एल एम एन लेते हैं, जो एच वन डी यू वन व एच टू डी यू टू रेखा अल्पांशों से बना होता है, तो इसके सदस्य सामने ये, तो इसका मान कितना रहेगा? एच वन डी यू वन, तो इसका मान कितना हो गया? और कितने हैं? जस्ट अब वही है, तो किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। तो माइनस कितना हो जाएगा? ए वन एच वन डी यू वन तो है, प्लस जो रेखा अल्पांश होता है इसके सापेक्ष वो डेल ए वन एच वन डी यू वन अपॉन कितना बन गया अपने पास? कितना रह गया इसके सापेक्ष? एच टू डी यू टू और इंटू एच टू डी यू। क्लियर? चलिए इसी प्रकार कहां से कहां तक निकालेंगे? एन से ओ तक। तो नीचे लिखिए एन से, ये मिटा रहा हूं फिगर, तो लिखिए इसी प्रकार कितना निकालेंगे आप अपन इसका? इसी प्रकार इसी
प्रकार इसी प्रकार एन से ओ तक ओ एल एम एन, तो एन से ओ तक, एन से ओ तक सदिश क्षेत्र का, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, रेखा समाकल, रेखा समाकल। तो एन से ओ तक कितना था, एच टू डी ओ टू था या नहीं था, था ना भाई, एच टू डी ओ थ्री तो बनाई थी मैंने यहाँ पर इस प्रकार रेखा, और इसका मान कितना लिया था एच टू डी ओ टू, ये तो था एन और ये क्या था ओ, तो एन से जब ओ तक लूंगा तो इसका मान कितना रह जाएगा एच टू डी ओ टू, तो अपने पास कितना आ जाएगा इसका मान, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल कितना आ जाएगा एन से ओ तक ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन एन से ओ सदिश ए इंटू सदिश डी एल बराबर, इसका मान कितना रह जाएगा अपने पास, कितना आएगा माइनस माइनस ए टू एच टू डी यू टू, क्लियर, क्योंकि किधर से किधर चल रहे हैं, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, दशा अपोजिट है, तो किसका चिन्ह आ गया माइनस का। इसी प्रकार कहां से कहां तक निकालेंगे अब, तो नीचे लिखिए यू वन दिशा में, यू वन दिशा में इस रेखा समाकल के, इस रेखा समाकल के, रेखा समाकल के परिवर्तन की दर, परिवर्तन परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर मैं निकालूंगा इससे, तो अपने पास कितना आ जाएगा, कहां से कहां तक है रेखा समाकल यू वन दिशा में, तो अपने पास कितनी आ जाएगी इसका रेखा समाकलन कितना आ जाएगा डेल अपॉन एच वन, और कितना आ जाएगा अपने पास डेल यू वन, और कितना रह जाएगा अपने पास एट, ये कितना मान आया इसका माइनस में, कितना हो जाएगा ए टू एच टू, और कितना हो जाएगा डी यू टू, डी यू टू, डी यू टू, डी यू टू। अब कौन सा रह गया अपने पास एल से एम, तो एल से एम तक, एल से एम तक सदिश क्षेत्र का, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, रेखा समाकल, तो कितना रह जाएगा इसका इंटीग्रेशन, कितना एल से एम, कितना रह जाएगा एल से एम और सदिश ए इंटू सदिश डी एल, और एल से एम तक का मान कितना था अपने पास कि ए वन, कितना था ए टू, जिसके सापेक्ष इसका है, तो ए टू एच टू डी यू टू प्लस डेल, और कितना है अपने पास इसका ए टू एच टू डी यू टू अपॉन, कितना रह जाएगा एच वन डेल यू वन और इंटू में एच वन डी यू वन, एच वन डी यू वन, तो सभी क्षेत्रों के मान निकाल लिया अपन ने, निकाल लिए नहीं निकाली, कहां से कहां तक ओ से एल, एल से एम, एम से एन और एन से ओ, तो चारों के सदिश क्षेत्रों के रेखा समाकल आ गए नहीं आए, आ गए ना, तो अपने पास अब इन चारों चारों का क्या कर देंगे अपन, इन चारों का योग, तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए, ये उम्र ऊपर का मिटा रहा हूं मैं, तो नीचे लिख दीजिए बंद पथ का रेखा समाकल, बंद पथ का रेखा समाकल, तो बंद पथ का जब रेखा समाकल निकालूंगा तो देखिए इन चारों जो अपने क्षेत्र निकाले, सभी क्षेत्रों के जो रेखा समाकल निकाले उनका सबका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, तो अपने पास जो बंद पथ का जो रेखा समाकल है वो आ जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए इंटीग्रेशन सदिश ए इंटू सदिश डी एल बराबर, कितना आ जाएगा सदिश ए इंटू सदिश डी एल बराबर, कितना आ जाएगा कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है ओ से एल सदिश ए इंटू सदिश
डी एल प्लस, फिर कहाँ से कहाँ तक है, एम से एन, एम से एन सदिश ए एन टू सदिश डी एल प्लस, फिर कहाँ से कहाँ तक है, एन से ओ तक, एन से या कंटिन्यू ले लेते हैं अपन, एम से वो जीरो से एल कंटिन्यू ले लेते हैं अपन चारों को, जीरो से एल, एल से एम, एम से, एम से कितना हो जाएगा एन, और एन से ओ सदिश ए इंटू सदिश डी। चारों पृष्ठ आ गए नहीं आए, चारों क्षेत्र आ गए नहीं आए, आ गए ना। अब इन सब के अपन क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो देखिए यार मान रख लेता हूँ, फिर एक बार फिर मैं मिटाऊंगा इसको। तो देखिए बराबर सदिश जीरो से एल सदिश ए इंटू सदिश डी एल का मान कितना है, ये है या नहीं है, है ना। तो कितना हो जाएगा ए वन एच एच वन डी यू वन होगा इसका मान प्लस। अब प्लस है तो ये माइनस में है, ये देखिए एल से एम, एल से एम का निकाला अपन ने यहाँ है, ये किस में है अपने पास, देखिए इसको एल से एम तक ये मान है अपने पास। तो अपने पास कितना आ जाएगा प्लस, कितना दे रखा है ए टू, ए टू एच टू डी यू टू प्लस डेल ए टू एच टू डी यू टू बटे कितना दे रखा है अपने पास एच वन डी डेल यू वन, एच वन डेल यू वन और इनटू में कितना दे रखा है एच वन डी यू वन, इसका मान हो गया। फिर कहाँ से कहाँ तक है, एम से एन, एम से एन देखिए ये है, ये किस में मान है इसका माइनस में, तो माइनस माइनस ए वन एच वन डी यू वन, ये भी माइनस में हो जाएगा प्लस का है, तो माइनस डेल ए वन एच वन डी यू वन अपॉन कितना है एच टू और डेल यू टू और इन टू में कितना है एच टू डी यू टू। क्लियर सभी को। तो अपने पास और कितना पद दे रखा है अपने पास, ये कौन सा रहेगा एन से ओ, तो एन से ओ देखिए कहाँ है, ये रामान, तो कितना है माइनस ए टू एच टू और डी यू टू, ए टू एच टू डी यू टू। क्लियर। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से पद कट रहे हैं अपने पास, देखिए ये देखिए ए वन एच वन डी यू वन से ए वन एच वन डी यू वन कैंसिल और ए टू एच टू डी यू टू से ए टू एच टू डी यू कैंसिल हो गए। तो अब देखिए एक बार मैं तुमको दोबारा समझा देता हूँ यहाँ तक। तो देखिए जब अपन ओ से एल तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल निकालेंगे तो ओ से एल सदिश ए इंटू डी एल, तो ओ से एल तक उस सदिश क्षेत्र का जो मान था वो कितना था एच वन डी यू वन और सदिश ए का मान कितना हो जाएगा ए वन, तो ए वन एच वन डी यू वन। क्लियर है यहाँ तक, ये मान हो गया। अब इसी परिवर्तन की दर निकाल ली, ये हो गई। क्लियर। अब देखिए एम से एन तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल निकालेंगे तो एम से एन सदिश ए इंटू सदिश डी एल बराबर, अब जिसके जस्ट अपोजिट है तो इसलिए किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा। तो जब एम के एन के सापेक्ष जब निकालेंगे तो ओ से एल का मान कितना था ए वन एच वन डी यू वन था, नहीं था, था ना। तो इसका मान जो कहते हूँ प्लस डेल इंटू जो इसका मान है वो कितना है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ आएगा। क्लियर। बटे क्या छूटा एच टू डी एल यू टू इंटू एच टू डी यू टू। क्लियर। इसी प्रकार अपन ने किसका निकाल लिया एन से ओ तक, जस्ट अपोजिट था, उसके सापेक्ष कितना हुआ ए टू, तो ए टू एच टू डी यू टू। जब अपन एल से एन तक निकालेंगे तो ये भी जो का क्यों आ जाएगा ए टू एच टू डी यू टू आ गया, प्लस डेल इंटू जो ये पद है ये जो का क्यों आ गया, बट क्या छूटा इसमें से एच वन डेल यू वन इंटू जो छूटा है वो भी यहाँ इंटू में आ जाएगा एच वन डी यू वन। क्लियर है सभी को यहां तक। और फिर इनका अपन ने चारों को क्या कर दिया, हम जानते हैं कि जो बंद पद का जो रेखा समकल होता है वो इंटीग्रेशन सदिश से इंटू सदिश डी एल बराबर क्या होता है जीरो से एल, ये इन चारों का क्या होता है, जो इनके सब पे क्या कर लिया अपन ने मान रख लिए इनसे जो निकाले हैं, तो ए वन एच वन डी यू वन से ए वन एच वन डी यू वन कैंसिल, ये मैंने कोष्टक में लिख दिया, अगर मैं कोष्टक में नहीं लिखता तो ए टू एच टू डी यू टू कैसे में रहता, प्लस में रहता ना, तो प्लस का ये है माइनस का वो है, तो वो कैंसिल हो गए चारों को कट गए। तो क्या बचा अपने पास, देखिए ये मिटा रहा हूं अब, भाई ऐसे करना दो के सापेक्ष एक और एक के सापेक्ष दो। क्लियर कि भाई ए टू एच टू डी यू टू के सापेक्ष क्या है एच वन डेल यू वन
और ए टू एच टू डेली टू के स्थान पर वो उसके सापेक्ष क्या है एच वन डेली, क्लियर। और इनटू में भी क्या लगेगा जो छूटा है वो, क्लियर है सभी को। अगर अपोजिट है तो माइनस, अपोजिट नहीं है तो प्लस, तो उनके मान सबके आ जाएंगे, क्लियर है सभी को। चलिए तो अपने पास क्या क्या पद छूटा, देखिए कैंसिल होने के पश्चात क्या क्या बचा, देखिए कितना बच गया डेल ए टू एच टू डी यू टू अपॉन एच वन डेल यू वन इन टू, ये किस में चल रहा है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन सदिश ए इंटू सदिश डी एल बराबर, यहाँ भी लिख लेना इंटीग्रेशन सदिश ए इंटू सदिश डी एल, क्लियर। तो इसमें से ये पद बचा इंटू में क्या है एच वन डी यू वन माइनस कितना बच गया डेल ए वन एच वन डी यू वन अपॉन कितना बच गया एच टू डेल यू टू इन टू एच टू डी यू टू, क्लियर। तो नीचे लिखिए, नीचे लिखिए कि किसी क्षेत्रफल अल्पांश को किसी 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 क्षेत्रफल किसी क्षेत्रफल, या इसमें से अपन कैंसिल कर देते हैं एक बार भाई, इसमें से पद भी तो कैंसिल हो रहे हैं। इसमें से देखिए H1 से H1 और H2 से H2, तो अपने पास क्या बचा देखिए सदिश A इंटू सदिश DL बराबर कितना रह गया अपने पास, देखिए डेल अपॉन डेल U1 बाय डेल अपॉन डेल U1, और कितना रह गया अपने पास A2 H2 और माइनस ये कैंसिल हो गया तो डेल अपॉन डेल यू टू कितना बच गया ए वन एच वन और इन टू में कितना रह गया डी यू वन डी यू टू। क्लियर है यहां तक कि इसमें से अपन ने जो डी वन डी यू टू को तो कहां ले लिया बाहर, H1 से H1 कैंसिल हो गया, H2 से H2 कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा ये बच गया, क्लियर है सभी को। चलिए अब नीचे लिखिए कि किसी क्षेत्रफल अल्पांश को किसी क्षेत्रफल अल्पांश को किसी क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले परिबद्ध करने वाले बंद पथ के अनुदिश बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ तल के लंबवत सदिश क्षेत्र के कर्ल के घटक के बराबर होता है। तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए, तो क्या कहोगे कि किसी क्षेत्र अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ तल के लंबवत सदिश क्षेत्र के कर्ल के क्या होता है बराबर होता है, तो इसलिए अपन कर्ल ए थ्री कर्ल ए टू कर्ल ए वन का मान निकाल लेंगे। तो अपने पास यहां से देखिए, हम जानते हैं कि कर्ल सदिश ए ऑफ थ्री बराबर क्या होगा अपने पास
कर्ल सदिश ए इंटू थ्री बराबर कितना होगा, लिमिट लिमिट कितनी कितनी तक हो जाएगी अपने पास, लिमिट डी एस टेंस टू जीरो और कितना हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन सदिश ए इंटू सदिश डी एस अपॉन कितना होता है डी एस, कि जो अपने पास कर्ल ऑफ सदिश ए होता है वो कितना होता है अपने पास, कितना होगा बताइए, कि सदिश सदिश ए थ्री बराबर लिमिट डी एस टेंस टू जीरो क्लोज इंटीग्रेशन सदिश ए इंटू सदिश डी एस अपॉन डी एस होता है, क्लियर। तो अपने पास यहाँ से अपन जब देखिए किसका मान निकालने, कर्ल ए थ्री का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए डेल ए वन एच टू अपॉन डेल यू वन माइनस डेल ए वन एच वन अपॉन डेल यू टू इंटू कितना रह जाएगा अपने पास डी यू वन डी यू टू अपॉन अपॉन कितना रह जाएगा एच वन डी यू वन और एच टू डी यू टू एच वन एच टू डी यू टू, क्लियर। तो अपने पास इससे कितना मान आ जाएगा, देखिए क्योंकि देखिए जब अपन कर्ल ए थ्री का मान निकालेंगे तो देखिए अपने पास कितना मान आया इससे का, कि डेल ए वन एच ए थ्री का मान निकाला तो ए का और इसका किसके सापेक्ष आएगा, मैं तीन का निकालूंगा तो एक और दो आएगा, दो का निकालूंगा तो एक और तीन आएगा, अगर एक का निकालूंगा तो कितना आएगा दो का और तीन का, क्लियर। ये तो बात समझ में आ गई कि अगर तीन का निकालूंगा तो किसके मान आएंगे वन और टू के, दो का निकालूंगा कर्ल ऑफ टू का तो किस 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 के घटक आएंगे एक और तीन के, अगर दो तीन जो क्या कहते हैं दो का पहले का निकालूंगा तो कौन कौन सा आ जाएगा दूसरा तीन, क्लियर है सभी को। तो चलिए तो इससे अपने पास मान आ जाएगा कर्ल सदिश ए थ्री बराबर कितना मान आ जाएगा, यहां से देखिए वन अपॉन एच वन एच टू वन अपॉन एच वन एच टू और कितना आ जाएगा अपने पास डेल डेल और कितना आ जाएगा अपने पास इससे कर लो ए थ्री का मान डेल ए टू एच टू अपॉन ए टू एच टू अपॉन ए टू एच टू अपॉन कितना आ जाएगा अपने पास डेल यू वन माइनस कितना रह गया डेल ए वन एच वन अपॉन डेल यू टू क्यों डी यू वन डी टू से एच डी यू वन और डी यू टू के, क्लियर। इसी प्रकार अपन किसका निकाल लेंगे कर्ल ए वन का, कर्ल ए का नीचे लिख दीजिए कर्ल सदिश ए का, कर्ल सदिश ए का यू वन घटक, यू वन घटक तो U1 का निकालूंगा तो कौन कौन से पद आएंगे अब 2 और 3 किसके आएंगे 2 और 3 के, तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए इसका निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट निकाल देता हूं मैं इसका मान कर्ल ऑफ सदिश ए 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 का निकाल रहा हूं, मैं किसका निकाल रहा हूं 1 का तो कितना आएगा 2 और 3 तो कितना आ जाएगा एच टू एच थ्री और इसमें कितना आ जाएगा डेल कितना है ए टू एच टू अपॉन डेल यू वन माइनस कितना आ जाएगा डेल कितना आ जाएगा डेल एच वन कितना आ जाएगा एच टू एच थ्री है ना तो टू और थ्री एच थ्री ए थ्री एच थ्री अपॉन कितना आ जाएगा डेल यू टू डेल यू टू डेल यू टू टू और थ्री ले रहे हैं ना तो डेल यू टू डोल वो कितना आ जाएगा इसका मान तो इसका कितना आ जाएगा वन और टू भाई ए टू और एच टू इसका मान निकाला है अपन ने तो इसका इसके सापेक्ष इसका तो तीन के सापेक्ष क्या लेंगे दो तो कितना आ जाएगा ए थ्री और एच थ्री टू टू इसके सापेक्ष टू और इसके सापेक्ष थ्री इसके सापेक्ष थ्री तो अपने पास देखिए इसी प्रकार
नीचे लिखिए कर्ल सदिश ए का U2 घटक। तो कर्ल सदिश ए 2 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन कितना आ जाएगा H1 H3। भाई 2 के लिए ले रहे हैं तो 1 और 3 रहेंगे, तो कितना आ जाएगा डेल, तो 3 के सापेक्ष क्या है 1, 3 के सापेक्ष क्या है 1, तो अपने पास कितना आ जाएगा डेल A1 H1 अपॉन डेल U3 माइनस डेल A3 H3 अपॉन डेल यू वन। तो नीचे लिख दीजिए कर्ल ऑफ सदिश ए, कर्ल सदिश ए बराबर कितना होता है अपने पास, कितना होता है देखिए कर्ल सदिश ए 1 E1 के प्लस कर्ल सदिश ए 2 E2 के प्लस कर्ल सदिश ए 3 और E3 के। क्लियर, कि जब सदिश जो कर्ल का मान निकालेंगे, क्यों अपन क्या निकाल रहे हैं कि लंबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कर्ल। क्लियर, यहां तक नोट डाउन करिए। क्योंकि जब सदिश क्षेत्र का घटक के रूप में लेंगे तो देखिए 3 का लिया है तो 1 2, 1 का लिया है तो 2 और 3, लिया है नहीं लिया, और इसके सापेक्ष 2 के लिया है तो 1 और 3। क्लियर भाई, 3 के लिए लेंगे तो क्या क्या बच गया 1 और 2, 1 के लिए लेंगे तो क्या बच गया 2 और 3, अगर 2 के लिए लूंगा तो 1 और 3, ये उसके क्या होंगे घटक। तो हम जानते हैं कि जो कर्ल ऑफ सदिश ए होता है वो किसके बराबर होता है, एकांक सदिशों के रूप में, कर्ल ऑफ सदिश ए 1 E1 के प्लस कर्ल ऑफ सदिश ए 2 E2 के प्लस कर्ल सदिश ए 3 E3 के। अब इन सब के मान में क्या रख लूंगा, इनसे रख लूंगा इसमें, तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए, तो अपने पास आ जाएंगे इनके मान, देखिए अब इनके मान मैं रख लेता हूं, कर्ल ऑफ सदिश ए, कर्ल ऑफ सदिश ए बराबर देखिए कर्ल सदिश ए 1 का मान देखिए वो है, और इन टू में क्या लग रहा है ई 1 के, तो ई 1 के बटे कितना हो जाएगा H2 H3, और कितना दे रखा है डेल A3 H3, कितना दे रखा है बटे में डेल U2 माइनस डेल A2 H2 डेल U3। हो गया इसका मान, तो इसका मान हो गया। अब किसका रह गया प्लस किसका दे रखा है A2 का ये है, और इन टू में क्या है E2 कैप, तो E2 कैप अपॉन H2 H3, और कितना इसका मान देखिए डेल A2 का मान है ना, ये A2 का मान कितना H1 H3, तो कितना रहेगा डेल A1 H1 डेल U3 माइनस डेल A3 H3 डेल U1। इसका भी रख लिया अपन ने मान, अब किसका रह गया E3 का अपन ये निकाल ही लिया है, तो प्लस E3 कैप अपॉन H1 H2, और कितना है डेल A2 H2 अपॉन डेल U1 माइनस डेल A1 H1 अपॉन डेल U2। सबके मान रख लिए, क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसमें से अपन 1 अपॉन H1 H2 H3 को क्या ले लेता हूं मैं बाहर, तो कर्ल ऑफ सदिश ए बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन H1 H2 H3 ले लिया, 1 अपॉन H1 H2 H3। तो इसमें से क्या बच गया अपने पास देखिए, इसमें क्या बचा H1 बचा कि नहीं बचा, 2 3 से 2 3 गए, कितना बचा H1, तो E1 कैप अपॉन H1
और खाली क्या बचा अपने पास, डेल ए थ्री एच थ्री डेल यू टू माइनस डेल ए टू एच टू डेल यू थ्री डेल यू थ्री। क्लियर, यही तो बचा अपने पास ई वन कैप और एच वन, ई वन कैप इंटू इंटू एच वन इंटू एच वन। क्लियर, तो अपने पास यहां इसको मंजिल कोष्ठक बंद कर लेना। क्लियर, अब दूसरे में अपने पास कितना बच गया, प्लस कितना बच गया दूसरे में ए टू कैप एच टू, और कितना रह गया डेल ए वन एच वन अपॉन डेल यू थ्री माइनस डेल ए थ्री एच थ्री अपॉन डेल यू वन। क्लियर, और इसमें से क्या बच गया, प्लस ए थ्री कैप एच थ्री, और कितना रह गया डेल ए टू एच टू अपॉन डेल यू वन माइनस डेल ए वन एच वन अपॉन डेल यू टू डेल यू टू। डेल यू टू तो अपने पास देखिए, अब यहां से कितना मान आ जाएगा अपने पास, देखिए हम जानते हैं कि देखिए कर्ल ऑफ सदिश ए, कर्ल ऑफ सदिश ए को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, डेल इंटू सदिश ए, किस प्रकार लिख सकता हूँ डेल इंटू सदिश ए। तो अपने पास इससे कितना मान आ जाएगा, बराबर वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री, वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री। और किस किस के मान आएंगे अपने पास, जब इसकी मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो किस किस के मान आएंगे, ए वन कैप एच वन ए टू कैप एच टू और ए थ्री कैप एच थ्री। इसका मान किसके बराबर है अपने पास, डेल अपॉन डेल यू वन, इसका डेल अपॉन डेल यू टू और इसका डेल अपॉन डेल यू थ्री। इसका मान किसके घटक के बराबर है, ए वन एच वन, इसका ए टू एच टू और इसका ए थ्री एच थ्री ए थ्री एच थ्री एस थ्री। यही क्या होती है अपने पास सदिश क्षेत्र, जो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है उसमें कर्ल। जब भी अपन किसी भी सदिश क्षेत्र का कर्ल निकालेंगे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, तो इस मैट्रिक्स में उनके मानों को रखेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, इसको साइड में करके वज्रगुणा करेंगे। क्लियर, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं एक प्रश्न कराऊंगा कि सदिश लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो कर्ल होता है वो क्या होता है, जो ही अपने पास ये मैट्रिक्स बनी है इससे इससे ही उस क्वेश्चन को मैं क्या कराऊंगा, उसका सॉल्यूशन कराऊंगा कि जिससे तुमको पता लग जाएगा कि इस मैट्रिक्स से क्या होगा। क्लियर, तो अपने पास इससे ये आया है, क्लियर कि इसका मान देखिए वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री है, वन अपॉन एच वन एच टू एच बाहर ले लिया, फिर इसका घटक कितना है, ई वन एच वन कैप, ई वन कैप एच वन है, इसका ई टू कैप एच टू है और उसका कितना है ई थ्री कैप एच थ्री। क्लियर, तीनों आ गए। फिर इसके सापेक्ष जो इसका घटक है वो कितना रह जाएगा, डेल अपॉन डेल यू वन, इसके सापेक्ष इसका घटक कितना रह जाएगा, डेल अपॉन डेल यू टू और इसके सापेक्ष घटक कितना रह जाएगा, डेल अपॉन डेल यू थ्री, और इसके सापेक्ष तीन और दो है, इसके सापेक्ष कितना रह जाएगा, ए वन एच वन वन है और क्या है थ्री है, इसके सापेक्ष कितना रह जाएगा, ए टू एच टू, और कितना है टू और वन है तो क्या रह जाएगा, ए थ्री एच थ्री। क्लियर, ये इससे क्या हो गई, मैट्रिक्स बन गई। इसी के अकॉर्डिंग कि हम कह देंगे कि भाई सिद्ध कीजिए कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो अपने पास कर्ल ऑफ सदिश ए होता है वो जीरो होता है, वो कैसे होता है, इसके अकॉर्डिंग अपन मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बना के फिर उस प्रश्न को अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। क्लियर है सभी को कि ये हो गया अपने पास कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो कर्ल होता है वो। क्लियर है सभी को, एक बार अपने हाथों से निकाल लेना इसको, एक बार के समझ में नहीं आएगा कहीं तुम उतार के और एक साइड में पटक दो, एक बार अपने हाथों से ध्यान से देख के और एक बार अपने हाथों से निकालना। एक बार जब भी कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बता देना, मैं उसका तुरंत सॉल्यूशन लिख के बता दूंगा कि ये यहाँ से लिया है। क्लियर, लेकिन पहले तुमको इसको समझना है, समझने के पश्चात उसको अपने हाथों से निकालना है, निकालने के पश्चात जब देखना है कि भाई कहाँ दिक्कत है, अगर नहीं है तो बढ़िया है। क्लियर, वो तो और भी बढ़िया है। क्लियर, चलिए
अब इससे आगे कंटिन्यू कल करें।